फैमिली का हर एक सदस्य सीखेगा कि मुझे एक से ज्यादा सोर्स बनाने हैं पैसा कमाने के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी यही किया, मैंने अपने एक से ज्यादा सोर्स बना रखे हैं पैसा कमाने के। और जब आप एक से ज्यादा सोर्स बनाते हो पैसा कमाने के, है ना, तो आपका एक सोर्स अगर कट भी गया, बंद भी हो गया, तो आपकी अर्निंग कम नहीं होगी, आपकी अर्निंग कहीं घटेगी नहीं, आपको टेंशन नहीं आएगी कि मैं पैसा कहां से कमाऊं। जल्दी दिक्कत कब आती है, जब आपका एक ही सोर्स होता है पैसा कमाने का, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी से दिमाग में डाल लो कि आप लोगों को एक से ज्यादा सोर्स रखना अपना पैसा कमाने का। दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ना आइडियल पकड़ने पड़ेंगे। धीरूभाई अंबानी का नाम लेता हूं, आज रिलायंस सिर्फ एक ही बिजनेस में नहीं है, रिलायंस के कितने बिजनेस है किसी को पता नहीं है, टाटा का एक ही बिजनेस नहीं है, टाटा के कितने बिजनेस है किसी को पता नहीं है। पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता, अपने आप पे भरोसा और अपने आप पे विश्वास रखना। लोगों के ना गवर्नमेंट से आज बहुत है, गवर्नमेंट हमें दे दे चिल्ला हमेशा, यू नो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ऊपर ठिकरा फोड़ते रहते हैं। अरे यार छोड़ो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट करेगी तो कर देगी, नहीं तो क्या, गवर्नमेंट नहीं करेगी तो तुम कमाओगे नहीं क्या। और मैंने कभी जिंदगी में अपनी सरकार से कोई आस नहीं रखी, अपन सरकार को देंगे कमा के टैक्स भरेंगे, लेकिन सरकार से आस मत रखो, देगी तो अच्छी बात है नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए आपसे कहता हूं कि अपने आप पे विश्वास रखो, पैसा कमाना उसके लिए आसान है जो अपने आप पे भरोसा रखता है। धीरूभाई अंबानी की मूवी देखी हो जिसमें अभिषेक बच्चन की पूरी लाइफ स्टोरी, मुझे एक ही मूवी अच्छी लगी और वो धीरूभाई अंबानी वाली, और क्या एक्टिंग करी है उस बंदे ने, क्या बोलते हैं उसमें धीरूभाई अंबानी की छवि दिखती है। वो एक ही बात बोलते थे, मैं तो अपने धंधे का पक्का हूं, मैं ये जानता हूँ पैसा कैसे कमाया जाता है, समझ रहे हो। और ये चीज आप लोगों को समझने और सीखने की जरूरत है कि आपको दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी कि हमें तो माँ बाप कमा के देंगे, हमें तो गवर्नमेंट कमा के देगी, सरकार नौकरी दो, सरकार तो आजकल चल रहा है, मैं गलत नहीं मानता उसको, बुरा मत मानना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप ठीक है, अगर सरकार कल को ना कर पाई तो हम लोग अपनी जिंदगी तो नहीं खत्म कर लेंगे। हालांकि सरकार को अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, हर एक मतलब अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज को सही करना चाहिए, सारे बंदों को जॉब देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कल को सरकार ना करे और सरकार करने में नाकाम हो जाए, सरकारी तंत्र बहुत ही जटिल होता है, उनमें क्या समस्याएं ये हमें नहीं पता, तो क्या आप कमाओगे नहीं, इस चीज को समझो। क्या आपको कमाने के लिए निकलना नहीं है बाहर, और एक ही सोर्स क्यों हो, आप नौकरी क्यों मांग रहे हो, आपके पास इतने सोर्स होने चाहिए, 3 से 4 सोर्स होने चाहिए कमाने के, जिससे आपको कभी दिक्कत ही ना आए। मेरे हैं, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे पहुंच गया यहाँ से यहाँ। एक वक्त ऐसा था जब मैं खुद बैंकरप्ट हो गया था, और आज ऐसी है कि मैं 10 जगह से पैसे कमाता हूँ।